आजकल कोरियन ड्रामाज लोगों के बीच ऐसे पॉपुलर होते जा रहे हैं या फैलते जा रहे हैं मानो जंगल की आग हो। अब चाहे ये कोरियन ड्रामाज हो या फिर चाइनीज ड्रामाज, बहुत सारे हिंदी या फिर इंग्लिश वेब सीरीज से भी पहले लोग इन ड्रामाज को देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसे ही कोरियन ड्रामाज लेकर आ गया हूं, जो सबसे पहले हिंदी में डब्ड हैं और ये अभी तक क्या है कुछ बेहतरीन रोमांटिक कोरियन ड्रामाज हैं। तो अगर आप रोमांटिक कोरियन ड्रामाज देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आप इस वीडियो को देखकर खाली हाथ नहीं लौटने वाले, और अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर भूले भटके आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये MX प्लेयर पर नई आई एक कोरियन कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बॉलीवुड में डबल रोल्स वाली फिल्में देखी हैं, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता या फिर जुड़वा, तो ये सीरीज भी आपको लगभग वैसा ही दिखाती है। जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है मीना और योंजो की, जिसमें योंजो एक प्रोसिक्यूटर है और दबंग स्वभाव की है, और दूसरी तरफ मीना जो एक सीधी सादी बड़े घर की बहू है और उसे बहुत प्रताड़ित किया जाता है। एक दिन मीना किसी कारण गायब हो जाती है और इसी दौरान योंजो की याददाश्त चली आती है और वो मीना की जगह पहुंच जाती है। और हाँ, मुझे पता है कि आप में से बहुतों को ये हेमा मालिनी की सीता और गीता वाली स्टोरी लग रही होगी, और ये बहुत हद तक वही है भी। तो अगर आप सीता और गीता को एक वेब सीरीज के जरिए और थोड़े नए फन और ह्यूमर के साथ देखना चाहते हैं तो आप इसे एक ट्राई दे सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आती है कि अगर आप MX प्लेयर की वाहियात डबिंग को झेल सकते हैं तो। बाकी आप इसे देखिए और कॉमेंट में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। एक प्योर ड्रामा रोमांस सीरीज है जिसमें आपको एक घंटे के राउंड के टोटल 24 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। जो बेसिकली कहानी है हान सेयुंग जो की, जो अपने जॉब और सिंगल लाइफ से बिल्कुल खुश है, पर अपने 30s में होने के कारण लोगों की बातें, प्रेशर और उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट होने के कारण वो अपने शादी के बारे में सोचने लगती है। और इसी दौरान एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वो पहाड़ों में जाती है, जहां वो ओह जैक डू से मिलती है और वो उसे अपना कॉन्ट्रैक्टेड हस्बैंड यानी किराए का पति बनाने के बारे में बात करती है, और कुछ दिनों में ही वे शादी कर लेते हैं। अब यहीं से इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। यह एक सिंपल बट नॉट सो सिंपल प्लॉट वाली लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज है, जिसमें आपको कुछ अच्छे ट्विस्ट और मिस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं। तो इस वेब सीरीज को आप एक बार तो जरूर देख सकते हैं, और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 की है। यह एक फैमिली ड्रामा रोमांस टेलीविजन सीरीज है जिसमें आपको टोटल 105 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके अभी तक टोटल 30 एपिसोड्स हिंदी में डब करके रिलीज किए गए हैं। और ये वेब सीरीज कहानी दिखाती है ताएपोंग की, जिसकी एक एक्सीडेंट के बाद मानसिक हालत 7 साल के बच्चे के जैसी हो जाती है, और उसकी माँ जो खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है जिसके पास बहुत ही कम समय बचा है, उसे चिंता है कि उसके बाद उसके बेटे का ख्याल कौन रखेगा। और साथ ही इसमें दो लेडीज हैं, जिसमें से एक ताएपोंग की सच्चे दिल से केयर करती है तो दूसरी बस उसका फायदा उठाना चाहती है। और भी बहुत सारी बातें जो आपको इस वेब सीरीज को देख पता चलेगा। यह एक बहुत ही एवरेज वेब सीरीज है जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, पर हाँ, अगर आप इसके हिंदी डब को बर्दाश्त कर पाए तो, क्योंकि ये बहुत ही वाहियात डब की गई है। बाकी आप इसे देखिए और अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। When the weather is fine, अगर सिंपल शब्दों में सीरीज के बारे में कहूं तो, अगर आपको एक फैमिली ड्रामा रोमांस सीरीज देखना पसंद है जिसमें आप हंसें, रोएं और वो सारे इमोशंस फील करें जो प्यार के दौरान फील होती है, तो ये सीरीज आपको वो जरूर फील कराती है। पर आपको इस सीरीज को देखने के लिए काफी पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि ये सीरीज काफी स्लो पेस्ड है और इस कारण से आपको ये बोर भी कर सकती है। अब अगर बात करें सीरीज के कहानी की, जो फॉलो करती है हाईवोन की, जो एक स्कूल में टीचर है, पर वहां उसके साथ कुछ बुरा होने के कारण वो सेल्फ हीलिंग के लिए अपने गाँव आ जाती है, और जहाँ वो यून सियोप से मिलती है। अब इसके बाद इन दोनों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है और इस दौरान जो कुछ भी होता है, बेसिकली यही इस वेब सीरीज की कहानी है। तो अगर आपको एक स्लो बर्निंग रोमांस देखना पसंद है तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। यह एक ड्रामा रोमांस सीरीज जिसे हाल ही में MX प्लेयर पर हिंदी में रिलीज किया गया है, जिसमें आपको एक घंटे के राउंड के टोटल 16 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। जो बेसिकली कहानी फॉलो करती है एक लड़की चेसोंग आह की, जिसे म्यूजिक से बहुत प्यार है, पर जब वो एक दिन जून यंग को एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते सुनती है और इसके बाद जब इनकी मुलाकात होती है तो इन दोनों की केमिस्ट्री किस तरह आगे बढ़ती है और जो कुछ भी होता है इस बीच आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। यह एक बहुत ही एवरेज वेब सीरीज है जिसकी कहानी बहुत ही सिंपल और इसका पेस थोड़ा स्लो लगता है। बाकी अगर आप इस नई आई कोरियन ड्रामा को ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं। यह एक ड्रामा रोमांस सीरीज जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हैं, जिसमें आपको एक घंटे के राउंड के टोटल 20 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। जो बेसिकली कहानी दिखाती है जीसुक की, जिसने अपने पिता के कर्ज में होने के कारण बहुत सारे कष्ट या प्रॉब्लम्स देखे हैं, और वो हमेशा ये सोचती रहती है कि काश उसकी लाइफ भी अमीरों वाली होती, और किस्मत से कुछ इंसिडेंट होने के बाद उसे ये भी मौका मिल जाता है जब जीसुक को उसी की एक हमशक्ल यूनहा की आइडेंटिटी लेने का मौका मिलता है, और वो इसके बाद एक अच्छी लाइफ जीने लगती है। और इसी दौरान वो मिनवो से मिलती है और मिनवो को जीसुक से प्यार हो जाता है, लेकिन सब कुछ तो इतना स्मूथ चलता नहीं है। फिर तब क्या होगा जब उसकी सच्चाई सबों के सामने आएगी, और इसके अलावा जो कुछ भी ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं इसकी कहानी में आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलता है। और आप इस ड्रामा रोमांस सीरीज को एक ट्राई तो जरूर दे सकते हैं।
ये एक ऐसी वेब सीरीज है जो आपको बताती है कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, आपको इसे खुलकर और अपनी मर्जी से जीना चाहिए। और इस वेब सीरीज को देखकर आप रोएंगे, प्यार का एहसास करेंगे और आप इनके कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर इस सीरीज के कहानी की बात करें जो फॉलो करती है सोहोए के कैरेक्टर को, जो कैंसर के ऊपर एक ड्रामा लिख रही है, और इसी दौरान उसे पता लगता है कि उसे खुद भी ब्रेस्ट कैंसर हो गया है और उसके पास मात्र 5 महीने का समय बचा है। और अब वो डिसाइड करती है कि वो अपने बचे हुए लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के और अपने शर्तों पर जिएगी और साथ ही अपने ड्रामा को भी पूरा करेगी। और यहीं से सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है, जिसमें आपको एक हार्ट टचिंग रोमांस, बहुत सारे इमोशंस और एक सिंपल बट प्यारी सी स्टोरी देखने को मिलती है, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर आप एक ऐसी कोरियन ड्रामा सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसमें आपको लोटपोट होने वाले ह्यूमर और साथ ही साथ एक प्यारा सा रोमांस का तड़का भी देखने को मिले, तो ये वेब सीरीज आपको जरूर देखनी चाहिए, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इंग्लिश में देख सकते हैं। जो बेसिकली कहानी दिखाती है होंगी सोल की, जो एक कंपनी में अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, पर उसका एक सीक्रेट है, या यूं कहें कि उसके पास एक वियर्ड सी सुपर पावर है। वो किसी को भी किस कर उसका फ्यूचर देख सकती है, और वो एक दिन एक्सीडेंटली अपने खड़ूस बॉस को किस कर लेती है और उसे फ्यूचर में दोनों एक साथ एक ही बेड पर दिखते हैं। अब इसी के बाद इस वेब सीरीज की कहानी आगे बढ़ती है और आपको इसमें जो कुछ भी देखने को मिलता है सब कुछ ह्यूमर और फन से भरपूर है, और साथ ही इसमें आपको एक प्यारा सा रोमांस भी देखने को मिलता है, तो आप इसे एक ट्राई तो जरूर दे सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी कोरियन ड्रामा सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, डायरेक्शन अच्छा हो, एक्टर्स के परफॉर्मेंस अच्छे हो, जिसमें एक अच्छा रोमांस देखने को मिले और लोटपोट होने वाले ह्यूमर्स हो, और सबसे ऊपर एक अच्छी हिंदी डबिंग हो, तो आप इस सीरीज को बिना किसी सेकंड थॉट के देख सकते हैं। फाइनली इस बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा रोमांस सीरीज को हिंदी में डब करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें आपको 1 घंटे के राउंड के टोटल 12 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इसे इसके प्लॉट को जाने बिना देखना शुरू करें। अगर आप कोई अच्छी कोरियन ड्रामा सीरीज देखना चाह रहे हैं तो मेरी बात मानिए, आप इसे सबसे पहले देखिए। आपको मजा आना है तो पैसे वापस। एंड नंबर 1, रेन और शाइन। बहुत दिनों के बाद मैंने कोई ऐसी ड्रामा रोमांस सीरीज देखी है जो सच में मेरे एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी है। अगर आप कोई ऐसी वेब सीरीज देखना चाहते हैं जो फुल ऑफ इमोशंस हो, जो आपको रुलाए, प्यार का एहसास कराए और जिसकी कहानी में आप पूरी तरह से खो जाएं, तो आपको ये वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। आपको ये बहुत पसंद आएगी। अब अगर बात करें सीरीज की कहानी की जो फॉलो करती है दो ऐसे लोगों की जिसने एक ट्रेजिक एक्सीडेंट में अपने प्यार को खो दिया है और एक दर्द को छुपाए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मानो सब कुछ ठीक हो। और इस दौरान दोनों धीरे धीरे कैसे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, कहानी इसी बारे में है। और इससे पहले कि ये वेब सीरीज पुरानी हो जाए, आप इसे जल्दी से देख लें, जिसे आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में देख सकते हैं। आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपने इनमें से कौन कौन सी वेब सीरीज देख ली है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।